नमस्कार दोस्तों, मैं हंत कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपनी तुलसी को कीड़ों से कैसे बचाएं। दोस्तों ये जो सामने आप तुलसी देख रहे हो ना, तो इसमें एक हफ्ते पहले कोई पत्ता ऐसा नहीं था जिसमें कोई कीड़ा ना लगा हो। दोस्तों ये जो पौधा है ना, पूरा कीड़ों से भरा पड़ा था। और जैसे कि आप जानते हो कि नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर में तुलसी की केयर करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैंने क्या करा था कि इसकी हार्ड कटिंग कर दी थी अभी एक हफ्ते पहले ही, कीड़ों से बचाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ना कि पत्तियों को आपको तोड़ देना जब आपको कोई कीड़ा दिखाई दे। इस तुलसी पे मैं कुछ दिन से ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस पूरी तुलसी में पूरा मतलब पूरा पौधा कीड़ों से ही भर गया था। कोई पत्ता ऐसा नहीं था जिसमें कोई कीड़ा ना हो। तो मैंने इसकी पूरे पौधे की हार्ड कटिंग कर दी थी, आप देख सकते हो, आपको नजर से दिखाऊं तो इसकी हार्ड कटिंग मैंने कर दी थी। दोस्तों हार्ड कटिंग करने की वजह से क्या हुआ था, जितनी भी इसमें कीड़ों वाली ब्रांच थी वो सभी कट के अलग हुई। और उसको निकाल के ये नहीं कि आपको पास में रखना है, दूर फेंक देना है ताकि उससे वो उसमें जो कीड़े होते हैं दोबारा हमारे पौधे में ना लग सके। और नवंबर का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है और एक दो दिन में दिसंबर शुरू हो जाएगा, धुंध पड़ने लगी है। फिर भी आप देख सकते हो कि मेरी तुलसी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कि दोस्तों इसमें मैं होममेड फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ। और वही होममेड फर्टिलाइजर मैंने अपने चैनल पे शेयर भी करे हैं। अगर आप अपनी तुलसी की केयर ऐसे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही अगर आप अपनी तुलसी की केयर करते हो, मौसम कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तुलसी हमेशा ही हरी भरी बनी रहेगी और उसमें कभी भी आपकी ये पत्तियां आती जाती ही रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके हार्ड कटिंग करने के बाद इसमें मैंने जो मेन फर्टिलाइजर है वो है एलोवेरा फर्टिलाइजर। मैंने एलोवेरा का फर्टिलाइजर इसमें डाला था, दो बार फर्टिलाइजर एलोवेरा का डाला। और उसके बाद मैं कोई ना कोई होममेड फर्टिलाइजर इसमें डालती ही रहती हूँ, जिसकी वजह से आप इसकी ग्रोथ को देख सकते हो। दोस्तों अगर आपकी तुलसी में मतलब हद से ज्यादा कीड़े हो रहे हैं, हद से ज्यादा मतलब पत्तियां निकालते हो तब भी नहीं निकल रहे हैं, कटिंग करते हो तब भी नहीं निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बाजार से जो केमिकल वाला एक कीटनाशक दवाई आती है ना, आप एक ढक्कन पानी में डाल के आप उसकी स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपकी जो तुलसी है ना उस पर सभी कीड़े हट जाएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, बिमला तुलसी पे उस दवाई का छिड़काव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रामा तुलसी में कर सकते हो, श्यामा तुलसी में कर सकते हो, कृष्णा तुलसी में उसका छिड़काव कर सकते हो, लेकिन इन तीन तुलसियों के अलावा आपको किसी और तुलसी में उस कीटनाशक केमिकल वाली जो दवाई है उसका छिड़काव आपको नहीं करना है। उसका जो छिड़काव है आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी और तुलसी में करते हो तो तुलसी आपकी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। ये तुलसी जो रामा श्यामा और कृष्णा जो तुलसी होती है बहुत हार्डी तुलसी होती है, इस पर अगर आप उसका छिड़काव करते हो केमिकल वाले कीटनाशक का तो आपकी तुलसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कीड़े से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर तुलसी से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। ओके बाय दोस्तों।